बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये आज मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, बचपन से मंदिर जाती हूँ, चढ़ावा देती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, स्पेशली जब कुछ चाहिए होता है तो और भी याद करती हूँ। मगर इन सब के पीछे क्या मीनिंग है, या हमारे जो मंदिर है वहाँ पर जो मेरा चढ़ावा जाता है वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। और आजकल तो वेस्ट में क्या चल रहा है, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसका बड़ा प्रचार है, उसकी बड़ी मार्केटिंग है, उसकी बड़ी एडवर्टाइजिंग। अपने देश के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में तो और भी कम हमें पता होता है। तो आज मेरी थोड़ी आंखें खुल गई यहाँ पर घूमने के बाद, और मैं यही कहूँगी आप ऑर्गेनाइजर कि इससे ये पहला साल है आपका यहाँ पर, कीजिए और भी बड़े पैमाने पर कीजिए। और हमारे जो युवा युवक हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें यहाँ पर जरूर लेकर आइए, उनकी आंखें मेरी तरह खुल जाए तो बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा। क्योंकि भारत में 75% हमारी पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारी शक्ति कितनी है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अगर सही रास्ते पे चले जाए ना तो दुनिया बदल सकते हैं अच्छे तरीके से, और अगर वो गलत रास्ते पे निकल जाए तो दुनिया बदल सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नहीं। तो अगर हम सबका भला चाहते हैं तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस फेयर को और भी अच्छे तरीके से बढ़ा करके और अट्रैक्टिव करके प्लीज यंगस्टर्स को यहाँ पर जरूर बुलाइए। एंड आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए अग्रेन शाइना जो कि मेरे को खींच कर यहाँ ले आई है, उसका धन्यवाद, और आप सबका नमस्कार। Hey.
अफसोस की बात यह है कि संख्या टेकर्स की इतनी बढ़ चुकी है हमारी समाज में, और हर बार जब हम सोचते हैं कि वैल्यू सिस्टम कहाँ है, शुरुआत ये आपके डायग्राम में होता है। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ गुरुमूर्ति जी को, क्योंकि ये सोच जो चेन्नई में जहाँ शुरुआत हुई है वहाँ मुंबई आप लेके आए हैं, और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि हर वर्ष बढ़ते जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। जूही जी ने एक चीज बिल्कुल महत्वपूर्ण कहा, और शायद आपके फिल्म से प्रेरित होके, कि युवा वर्ग और खास तौर से जो यंगस्टर्स हैं उनमें फैमिली वैल्यूज एंड द इनकल्केशन ऑफ गुड वैल्यूज ऑफ सर्विस टू सोसाइटी स्टार्ट्स ओनली विद एक्सपोजर्स टू फेयर सच एज दिस। मैं सभी आयोजक को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ, सुरेश जी, भागेरिया, मानके जी, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, भागवत जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये एक संगठन है जहाँ व्यक्तिगत किसी का नाम हमें दिया गया नहीं। कहा गया कि हम आयोजक को बहुत बहुत अभिनंदन हमारे तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम।